नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शनि देव 24 जनवरी 2020 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और यह अपने स्वयं राशि में आ रहे हैं। धनु राशि से निकलकर ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे और अपनी स्वयं राशि में स्थित होने के कारण ये शश नामक राजयोग बना रहे हैं। यह शश नामक राजयोग 30 साल में एक बार बनता है, क्योंकि शनिदेव एक ऐसे ग्रह है जो बहुत ही स्लो स्पीड में चलते हैं, अर्थात एक ही राशि में वह 2.5 वर्ष तक रहते हैं। 2.5 वर्ष बाद यह अपना राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए 12 राशियों में इनको राशि परिवर्तन करने में 30 साल का समय लगता है और अपनी स्वयं की राशि में आने में इसे 30 साल का वर्ष लगता है दोस्तों। इसलिए शनि देव 30 सालों बाद यह राजयोग बना रहे हैं और यह राजयोग अलग अलग राशियों पर क्या इफेक्ट डालेगा, इसकी विस्तृत जानकारी हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे दोस्तों। वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। शनि को सूर्य पुत्र और नव ग्रह में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शनि के संबंध में अनेक गलत अवधारणाएं प्रचलित हैं, जिस वजह से शनि को अशुभ और दुख का कारक माना जाता है, लेकिन यह सही नहीं है। शनि शत्रु नहीं है बल्कि मित्र है। शनि मोक्ष देने वाला एकमात्र ग्रह है। शनि एक न्यायप्रिय ग्रह है जो हर प्राणी के साथ न्याय करता है, लेकिन जो लोग अनैतिक और गलत कार्य करते हैं तो उन्हें शनि का दंड भी भोगना पड़ता है। शनि गोचर, शनि की महादशा और साढ़ेसाती के फलस्वरूप मनुष्य के जीवन में बड़े परिवर्तन होते हैं। हालांकि यह परिवर्तन सुखद और कष्टकारी दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। इसका फल मनुष्य के कर्म और राशि व कुंडली के शनि की चाल और स्थिति पर निर्भर करता है। विभिन्न भावों में शनि के गोचर से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है दोस्तों। आप मिथुन राशि के जातक है तो शनि देव पहले आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे। 24 जनवरी के बाद वह अपना राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे दोस्तों, और वह अपनी स्वयं राशि स्थित होने जा रहे हैं, जिससे आपको अष्टम भाव का दुष्परिणाम नहीं प्राप्त होगा। आपके शनि की अढ़ैया प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन इस अढ़ैया से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। शनि देव आपको इतना अशुभ परिणाम नहीं प्राप्त करवाएंगे, क्योंकि वह अपनी स्वयं की राशि में स्थित होने जा रहे हैं। जब भी कोई ग्रह अपने स्वयं की राशि में स्थित होता है तो उसका अशुभ परिणाम हमारे जीवन में नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने घर को खराब नहीं करता है। वैसे तो 8वां भाव अच्छा भाव नहीं माना जाता है, वह हमारे दुर्घटनाओं का कारण होता है। मृत्यु तुल्य कष्ट की प्राप्ति 8वें घर से प्राप्त होती है, लेकिन शनिदेव अपने स्वयं की राशि में स्थित होने जा रहे हैं, जिससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखेंगे इस गोचर के अंतराल, और वाहन थोड़ा संभल कर चलाएंगे तो आपके जीवन के लिए वह अच्छा रहेगा, अन्यथा आपको त्वचा से संबंधित कोई रोग से परेशानी हो सकती है दोस्तों। शनिदेव आपके नवम भाव के स्वामी भी होते हैं, जिससे आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ इस समय मिलेगा। जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, चाहे से वह व्यापार जगत से जुड़ा हुआ कार्य हो, या आपकी नौकरी पेशा से जुड़े हुए हो, या फिर पारिवारिक रिश्तों के मामले में यदि कोई भी कार्य हो तो उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी दोस्तों। शनि की 3 दृष्टियां होती है दोस्तों, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। शनि देव जब आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो उनकी तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र अर्थात 10th हाउस में पड़ेगी, जिससे आपको व्यापार व नौकरी में बहुत अधिक अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। शनि देव आपके इस गोचर के अंतराल आपको बहुत अधिक अच्छी स्थितियां उत्पन्न करवाएंगे, आर्थिक स्थिति भी आपकी सुदृढ़ रहेगी दोस्तों। शनि देव की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ रही है, जिससे माता लक्ष्मी की अपार कृपा इस समय आपके बनी रहेगी दोस्तों। धन संबंधित कोई भी परेशानी है तो वह इस अढ़ैया में आपके अवश्य समाप्त होगी दोस्तों। शनि की 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी, जिससे आपको संतान पक्ष से कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। उनकी शादी के योग इस समय बनेंगे, या फिर उनकी जॉब भी इस समय लग सकती है। यदि वह आपके करियर को सेट करने के लायक हो चुके हैं तो उनका करियर भी अच्छी दिशा में सेट होगा इस गोचर के अंतराल, अर्थात शनि देव आपको बहुत अधिक अच्छे लाभ प्राप्त करवाएंगे इस गोचर के अंतराल। शनि की अढ़ैया से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनि ग्रह अच्छे ग्रह होते हैं। उनकी जन्म कुंडली के हिसाब से वे नवम भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। त्रिकोण के स्वामी होने के कारण वे अच्छे ग्रहों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। लंबे वक्त से चले आ रहे जमीन जायदाद के मामलों में भी इस समय आपके निपटारा होने के योग बनेंगे दोस्तों। पारिवारिक के साथ आप विदेश यात्राओं के
के लिए भी जा सकते हैं। धार्मिक स्थल की भी यदि आप यात्रा इस दौरान के करेंगे तो वह आपके जीवन के लिए शुभदायक सिद्ध होगी दोस्तों। लेकिन इस गोचर के अंतराल आप अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखेंगे तो वह आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा आपकी वाणी उग्र होने के कारण आप अपने रिश्तों में खटास उत्पन्न स्वयं कर सकते हैं इस गोचर के अंतराल, क्योंकि शनिदेव एक अलगाववादी ग्रह है जिससे आपकी वाणी उग्र हो सकती है इस गोचर के अंतराल दोस्तों। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनि का यह गोचर उनका भाग्य को पलटने में बहुत अधिक सहायता प्रदान करेगा, उनका जीवन इस गोचर के अंतराल बदल जाए तो। शनि यदि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह नहीं है, वे पीड़ित है, तो उसके लिए हमें छोटे छोटे उपाय अवश्य अपनाने चाहिए। उपाय के रूप में आप शनि के बीज मंत्रों का जाप करेंगे जो कि ओम शम शनिश्चराय नमः होता है। इस बीज मंत्र का जाप शाम के समय यदि आप रोज डेली एक माला अर्थात 108 बार करेंगे तो इससे शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति अवश्य करवाएंगे दोस्तों। इसके अलावा आप शनिदेव के मंदिर में जाकर काली व नीली वस्तुओं का दान करेंगे, सरसों के तेल का दान करेंगे, छाया दान करेंगे तो उससे भी शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा आप हनुमान जी की पूजा आराधना करना प्रारंभ कर देंगे तो उससे भी शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं दोस्तों। और इसके अलावा शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक यदि जलाएंगे और पीपल के पेड़ की परिक्रमा 5 बार या 11 बार करेंगे तो उससे भी शनि देव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में शुभ परिणाम अवश्य प्राप्त करवाते हैं। इसके लिए आप पूरी श्रद्धा के साथ यदि उपाय अपनाएंगे तो यह गोचर आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छी स्थितियां उत्पन्न करेगा, आपका भाग्य इस समय अवश्य पलट जाएगा दोस्तों। यदि आपकी कुंडली में शनि योग कारक ग्रह है लेकिन उनकी डिग्री कम है तो उस अवस्था में आप शनि का शुभ रत्न नीलम भी धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करने से पहले आप अपनी कुंडली का विचार अवश्य करवाएं। बिना कुंडली के विचार के कभी भी नीलम रत्न धारण नहीं करें। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि हमारी कुंभ राशि है या फिर मकर राशि है तो हमें नीलम धारण करना है। कुंडली का बिना विचार करवाए आप कभी भी रत्न धारण नहीं करें दोस्तों, इसका दुष्परिणाम भी हमें प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि रत्न हमेशा ही शुभ परिणाम देते हैं, यदि हमने गलत रत्न धारण कर लिया तो उस ग्रह से हमें नेगेटिव रिजल्ट भी प्राप्त होते हैं दोस्तों। आई होप आपको यह जानकारी बहुत अधिक अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों। और आपके कोई भी सुझाव हो तो कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत अधिक बेटर से बेटर ला सकूं। और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।